उसने कवर लिया, कवर के अंदर इसने टूथपेस्ट डाली, टूथपेस्ट के बाद इसने वॉशिंग लिक्विड डाला, वॉशिंग लिक्विड के बाद इसने बेकिंग सोडा डाल दिया और बेकिंग सोडा के ऊपर इसने विनेगर डाल दिया और इसने पानी ऑन कर दिया और थोड़ी देर बाद हिलाया और देखा जी लो एकदम बिल्कुल न्यू कवर। लो भाई अगर ये हैक ट्राई नहीं किया तो भाई कुछ ट्राई नहीं किया, तो अब मैं इसको ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कि भाई ये वर्क करता है कि नहीं करता। जी तो ये है जी मेरा पुराने मोबाइल का कवर जो कि बहुत ही गंदा है। अब इसके ऊपर हम ट्राई करेंगे ये हैक काम करता है कि नहीं करता। ये हमने इसके अंदर रखा, ये टूथपेस्ट आ गई, अब हम इसके अंदर टूथपेस्ट डालेंगे थोड़ी सी। ये हमने इसके अंदर टूथपेस्ट डाल दी और उसके बाद हमने वॉशिंग लिक्विड, ये हमने वॉशिंग लिक्विड भी डाल दिया, बर्तन धोने वाला जो होता है अच्छे से इसके अंदर हमने डाल दिया। और इसके बाद हम डालेंगे जी बेकिंग सोडा, वो हम डाल लेते हैं बेकिंग सोडा। ये है सारा बेकिंग सोडा, ये जैसा डाल लेते हैं, मेरा ख्याल है सारा काम ही इसका है। ये हमने डाल लिया इसके अंदर बेकिंग सोडा, अब हम डालेंगे इसके अंदर विनेगर। ये जी इसके अंदर विनेगर चला गया। और अब इसके बाद हम डालेंगे पानी, अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और उसके बाद देखते हैं भाई क्या रिजल्ट आता है। इसको हम इसी तरह आधे घंटे के लिए रहने देंगे, उसके बाद देखते हैं कि भाई इसका कलर क्या निकलता है। A few moments later. जी तो अब आधे घंटे से ज्यादा टाइम हो गया, अब हम इसको चेक करते हैं कि भाई ये कैसा है, कवर हमारा साफ हुआ है कि नहीं हुआ। ये है सारी झाग थी वो खत्म हो गई है और जो पेस्ट थी वो मेरा ख्याल अंदर वैसी की वैसी ही है। और ये है जी ये इसका कलर, और मुझे लगता है कि ये पहले से ज्यादा पीला हो गया, कुछ भी साफ नहीं हुआ, जैसा था वैसे का वैसा ही है। तो यार ये जो हैक है टोटली फेक है, बिल्कुल वर्क नहीं करता। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग इसको इस्तेमाल ना कीजिएगा।